हेलो एवरीवन वेलकम टू टेक इनसाइट्स तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्डमैन सैक्स के रिक्रूटमेंट प्रोसेस इसके सीटीसी ब्रेकडाउन एंड वर्क कल्चर के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑन फर्स्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस तो इसकी हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं तो एलिजिबिलिटी में यार आप आपका जो ग्रेजुएशन है वो बी टेक एम टेक बी या एम ई -E से होना चाहिए ऑल ब्रांचेस आर एलिजिबल आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग कर सकते हो एंड टेंथ एंड ट्वेल्थ में आपका सिक्सटी एंड अबव परसेंट होना चाहिए नेक्स्ट गोल्डमैन uh, सेक्स का ऑफ कैंपस uh, जो ड्राइव होता है रिक्रूटमेंट ड्राइव वो साल में दो बार होता है ठीक है जो फर्स्ट ड्राइव इनकी होती है वो अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से लेकर uh, से स्टार्ट होती है एंड जो सेकेंड ड्राइव जो इनकी होती है रिक्रूटमेंट ड्राइव वो जनवरी uh, से फेबर के बीच में होती है तो आप अपॉर्चुनिटी आपको उस टाइम मिलती है एंड आपको बस ध्यान देना होता है एंड uh, जैसे ही अपॉर्चुनिटी निकले आप अप्लाई कर सकते हो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नंबर ऑफ़ राउंड्स पे तो फर्स्ट राउंड जो इनका होता है ऑफ कैंपस में वो होता है एप्टीट्यूड का ये राउंड स्पेशली ऑफ कैंपस के लिए होता है ऑन कैंपस में ऐसा कोई भी राउंड नहीं होता uh, इसमें ऑन कैंपस में डायरेक्टली आपका कोडिंग uh, राउंड होता है एंड देन इंटरव्यू होता है एंड अकॉर्डिंगली आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन होता है तो आप एक बार कॉलेज कोऑर्डिनेटर अपने प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर से पूछ लेना कॉलेज में कि अगर आपके कॉलेज में गोल्डमैन सेक्स आ रही है ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए तो ऑफ कैंपस इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करने का कोई सेंस नहीं बनता है तो यार अगर बात करें इस एप्टीट्यूड राउंड की तो ये थर्टी मिनट्स का होता है एंड इसमें टोटल सिक्सटी सिक्स क्वेश्चन होते हैं एंड ये काफ़ी टफ क्वेश्चन होते हैं टफ एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं आपको अच्छा खासा प्रैक्टिस करके जाना है आ, इस राउंड के लिए तो 66 क्वेश्चन टोटल होता है एंड इसमें सिक्स सेक्शंस होते हैं जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं हर एक सेक्शन में एंड uh, हर एक सही अटैम्प्ट आपको प्लस फाइव मार्क्स मिलते हैं गलत अटैम्प्ट आपको माइनस टू मार्क्स मिलते हैं एंड अगर आप फोर्टी प्लस क्वेश्चन uh, करके आते हो तो आपके सेलेक्शन के चांसेस हैं आगे uh, के राउंड के लिए क्योंकि मेरे कुछ क्वेश्चन कुछ सॉरी uh, फ्रेंड्स थे मेरे uh, तो उन्होंने अप्लाई uh, करा था गोलमैन सेक्स के लिए तो उन्होंने फोर्टी प्लस क्वेश्चन करे थे एंड uh, हाँ उनका नेक्स्ट राउंड के लिए उनको मेल आ गया था तो आप ऐसा कर सकते हो नेक्स्ट आपका राउंड है ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट इसमें आपके चार सेक्शंस होते हैं एंड ये टोटल 1.5 पॉइंट आर्स का ये राउंड होता है तो फर्स्ट राउंड जो इसका होता है वो आ, होता है सी एस फंडामेंटल का जिसमें जिसमें कि आपसे ओएस ओप्स या नेटवर्किंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डी बी एम एस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल सेवन एम सी के क्वेश्चन होते हैं एंड ये ट्वेंटी मिनट्स का इसका टाइमिंग uh, इस सेक्शन का होता है सारे सेक्शंस uh, जो होते हैं चारों सेक्शन टाइम बाउंडेड होते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप एक सेक्शन स्किप uh, uh, करके दूसरे सेक्शन में जा सकते हो आपको एक सेक्शन पूरा खत्म करके ही आप दूसरे सेक्शन में जा सकते हो ठीक है नेक्स्ट राउंड तो आपका कॉन्ट्स का होता है जिसमें कि आपको 45 मिनट्स मिलते हैं टोटल 11 क्वेश्चंस होते हैं अब आप देख रहे हो टाइम के हिसाब से और क्वेश्चन के हिसाब से कि काफी टफ क्वेश्चन ये क्वार्स एप्टीट्यूड और रीजनिंग के पूछते हैं तो अच्छे से प्रिपेयर करना है गोल्डमैन सेक्स अगर टारगेट कर रहे हो तो रीजनिंग एप्टीट्यूड भी साथ साथ में कोडिंग के करते रहो ठीक है नेक्स्ट पहला सीएस uh, फंडामेंटल दूसरा क्वार्स एंड तीसरा जो राउंड होता है तीसरा जो सेक्शन इनका होता है uh, वो होता है uh, प्रोग्रामिंग का तो प्रोग्रामिंग में आपके दो मीडियम लेवल के प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं टोटल थर्टी मिनट्स का टाइम आपको दिया जाता है एंड नेक्स्ट जो होता है सेक्शन इन का उसमें दो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें पंद्रह मिनट की टाइमिंग आपको दी जाती है अब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ ऐसे हो सकते हैं कि वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन गोल्डमैन सेक्स एंड कुछ आपकी लीडरशिप स्किल्स के को टेस्ट करने वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं तो आ, इसमें एक मैं आपको टिप दूँगी कि आप ग्रामरली का एक्सटेंशन आप यूज़ कर सकते हो आ, ताकि आप काफ़ी अच्छा और इफ़ेक्टिव आंसर कम टाइम में लिख के दे सको नेक्स्ट ये था पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में और हाँ एक चीज़ और कि यार ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर लो इनके एप्टीट्यूड एंड ऑनलाइन टेस्ट में ठीक है तो आ, इसमें अगर आपने ज़्यादा मार्क्स गेन कर लिए तो अगर इंटरव्यू थोड़ा ऊपर नीचे भी रह जाता है तो चलेगा क्योंकि इनका जो टोटल तुम्हारा जो सिलेक्शन और रिजेक्शन ये जो शॉर्ट लिस्टिंग निकालते हैं ये ओवरऑल मार्क्स जो टोटल मार्क्स तुम्हारा होता है स्कोर होता है उसकी बेसिस पे निकालते हैं तो ये ऑनलाइन टेस्ट हो गया सब कुछ हो गया आपका अब नेक्स्ट इंटरव्यू की बात करते हैं तो अगर आप इंटर्नशिप uh, के लिए अप्लाई कर रहे हो आप प्री फाइनल ईयर में हो और आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका आप दो से तीन आपके इंटरव्यू राउंड्स हो सकते हैं एंड मीडियम लेवल के डी एस क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एंड कुछ पज़ल्स पूछे जाते हैं एंड uh, अगर आप uh, uh, फुल टाइम के लिए अप्लाई कर रहे हो आप फाइनल ईयर में हो तो आपके तीन से चार इंटरव्यू राउंड्स हो सकते हैं एंड इसमें आपसे हार्ड से मीडियम के बीच में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एंड पजल्स uh, भी कुछ पूछे जाते हैं तो हाँ पजल्स भी पूछे जाते हैं गवर्नमेंट सेक्ट के इंटरव्यू में तो आप वो भी प्रिपेयर अच्छे से कर लेना पजल्स भी गीस वे गीस बहुत सारे मिल जाएंगे पजल्स तो ये था ओवरऑल रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में अब बात करते हैं गोल्डमैन सेक्स के सी ब्रेकअप के बारे में तो यार जो करेंट सिटीसी है वो है ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव लैक्स एंड इसका जो बेस पे है वो है ट्वेंटी टू लैक्स पर एनम एंड जो इनका जो रियलोकेशन बोनस होता है वो होता है वन पॉइंट सिक्स लैक्स एंड जॉइनिंग बोनस टू लैक्स का जॉइनिंग बोनस होता है एंड इसमें आपको परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस भी आपको मिलता है थर्टी टू फोर्टी थाउजेंड के बीच में आ, हर साल तो ये था सी टी सी ब्रेकडाउन एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्क कल्चर की तो यार वर्क uh, कल्चर में लोगों ने यही बोला कि means, तो यह है कि सारे मीन्स प्रोज तो ये हैं कि लोगों में काफ़ी है एम्प्लॉयज़ uh, में एंड uh, लोग काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं एंड इंटरेस्टेड हैं अपने काम में तो वो वर्क वर्किंग इन्वामेंट काफ़ी अच्छा है बट कॉन्स में उन्होंने ये बोला है कि जो टीम्स हैं वो ग्लोबल हैं एंड दो डिफरेंट डिफरेंट रीजन के जब एम्प्लॉज सेम टीम में हो और उन्हें कोऑर्डिनेट करने में थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज कभी इन्हें लेट नाइट कॉल्स अटेंड करने पड़ जाते हैं बिग टाइमिंग की वजह से तो ये कॉन्स गट का है एम्बिशन बॉक्सपेस की थ्री पॉइंट एट स्टार रेटिंग है तो ये था ऑल अबाउट गोल्डमैन सैक्स अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड मिलते हैं नए वीडियो में टिल देन बाय कीप लर्निंग